Hello friends, welcome to Omsai cooking classes and this is Seema Gavare Patil from Nasik. Nasik में हम cooking classes लेते हैं लेकिन उसके साथ all over world हम देते हैं 50 plus courses. अगर आप हमारे किसी भी course में interested है तो एक number dial कीजिए 9325294757 या 9850746889 और आप घर बैठे कोई भी dish सीख सकते हैं आराम से किसी भी वक्त. So आज जो मैं आपके लिए recipe लेके आई हूँ वो है अंडा करी. अंडा करी जो मैं आज दिखा रही हूँ, जो आप ढाबे में जाके अंडा करी खाते हैं, वो वाली ढाबा स्टाइल अंडा करी मैं लेके आई. तो देखते हैं मैं क्या क्या लगने वाला है. सबसे पहले आपको पैन में ऑयल डालना है. ऑयल आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिए है. ऑयल को आपको अच्छे से गर्म करना है और फिर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले. खड़े मसाले में मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, 2-3 मैंने तेज पत्ता के छोटे टुकड़े डाले हैं. एक मैं मसाला इलायची डाल रही हूँ, 3 से 4 हरी इलायची और 3-4 मैं डाल रही हूँ पेपरकॉर्न्स काली मिर्च. और इनको अब हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे. ये भूनने के बाद आप इसमें डालोगे हरी मिर्ची 2 से 3. ये आपको ऐसे ही डालने हैं, पूरे अखे इसको चॉप करके नहीं डालना है. इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 tsp जीरा. अब इसमें आपको जो प्याज डालना है, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डालना है 2. प्याज को अच्छे से आप ब्राउन कीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी. अब अंडे को आप आड़ा ही काटोगे, अगर आप ऐसे काटोगे तो जो योक है वो बाहर निकल जाएगा. तो मैं इसको आड़ा कट कर दूँ. तो मैंने यहाँ 3 उबले हुए अंडे लिए हैं और इनको अब हम फ्राई करने वाले हैं. तो ये मेरे अंडे मैंने कट कर लिए, जब तक मेरे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ. तो जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अंडों को भी फ्राई करते हैं. मैंने 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है. इसमें आप थोड़ा सा डालिए लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको. थोड़ा सा आपको डालना है हल्दी और जो ये हम लोगों ने अंडे कट किए थे इनको हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे. और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाली, बहुत ज़्यादा मत डालिए. और इनको हम फ्राई कर लेंगे. तो एक तरफ होने के बाद मैं इसको पलट के दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ. तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एग्स. मैं इसको साइड में रख के ग्रेवी की तरफ आती हूँ. तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी. ये मैंने कच्चे टमाटर की प्यूरी डाली है. इसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसको मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूंगी ताकि जो टमाटर का कच्चापन है, जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए. हमेशा याद रखना, जब भी आप टमाटर, कच्चे टमाटर को यूज़ करते हो तो उसको तब तक भूनिए जब तक अच्छे से तेल ना छूटे. अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे. मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है जो इसको बहुत अच्छा कलर देगी. धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, गरम मसाला और हल्दी. सो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और इनको अब 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे. मसाले को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी. अब हम इसमें डालेंगे पानी. पानी आपको जितनी ग्रेवी पत्ती चाहिए उस हिसाब से डालिए. अब मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा थिक ही रखने वाली हूँ. और जैसे ही इस ग्रेवी में उबाल आए तब हम इसमें डालेंगे अंडे. आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया कलर आया, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका. इसमें मैं अब डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार.
सो ये नमक गया, सो ये सारे अंडे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सो है ना ढाबा स्टाइल एकदम। अब जो लास्ट में जो इसको टेस्ट एनहांस करने वाला है वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसको इसमें तो आप बिना भूले डालोगे ही। सो ये मैंने डाला है कसूरी मेथी। और अगर आपको और भी इस डिश को रिच करना है तो 1 से 2 चम्मच या तो क्रीम डालिए या मलाई को फेंट के डालिए। मलाई डालना टोटली ऑप्शनल है, आपको लगे तो ही डालिए। अब मैं इसको रिच करने के लिए थोड़ी सी मलाई डाल रही, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच मैंने डाली होगी। अब मैं इसे फिर से मिक्स करके 2 से 3 मिनट छोड़ दूंगी जब तक जो तेल था वो फिर से ऊपर ना आ जाए। सो अब डिश रेडी है, कलर आ चुका है, उसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी दिख रही है। उसमें बस जो कमी है वो है कटा धनिया। सो मैं इसमें थोड़ा सा कटा धनिया डाल रही हूँ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। सो अब मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ जो इसका टेक्सचर आया है। प्लेटिंग के बाद तो वाह वाह वाह। और अगर आपको इस डिश को एंजॉय करना है तो स्टीम राइस बनाइए, नान बनाइए और इस डिश को एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी में लगने वाली जो सामग्री वो है उबले अंडे 3, तेल स्वाद के अनुसार, खड़े मसाले, जीरा 1 टीस्पून, बारीक कटे प्याज 2, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, बारीक कटा टमाटर 1, हरी मिर्च 2, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, किचन किंग मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कसूरी 1 टीस्पून और काजू 8 से 10।